हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छी। आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पर, और जानेंगे कि कल की डेट में किन लेवलों पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के डेली चार्ट फ्रेम पर हूँ। वहां से आप देख पाए स्टॉक, सॉरी, जो निफ्टी है वो लगातार गिरावट कर रही है, यानी कि निफ्टी नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ हम कॉल के बारे में सोचना गलत होगा अगर हम कॉल की साइड जाना चाहेंगे। यहाँ पे देखें, वही बात करें इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी में एक सपोर्ट नजर आएगा आपको समथिंग 19,450 के आसपास, 450 के आसपास। तो यहाँ कर देता हूँ। बात करें तो रेजिस्टेंस आपको नजर आएगा 19,500, या इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो 19,570 के आसपास। तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि हमें कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है। गैप अप ओपन होती है और 500 फिर से नीचे आने का प्रयास करती है तो हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। यदि 570 का लेवल क्रॉस करती है तो फिर हम इसमें 723 के टारगेट के लिए जाना पसंद करेंगे, ठीक है। और यदि 570 के लेवल से नीचे आने का प्रयास करेगी तो सीधे फिर हम 19,450 के टारगेट के लिए पुट साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। और यदि निफ्टी नीचे गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे गैप डाउन खुलती है और इस लेवल को 450 के लेवल को टच करके मूव करती है तो हम 19,570 के टारगेट के लिए कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में थोड़ा दबाव है तो थोड़ा सोच समझ करके एंट्री लेंगे और अपने खुद के रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी लेना जरूरी है। बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट फ्रेम देखेंगे तो वही स्थिति नजर आएगी आपको, सब डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और अब हम निफ्टी के आवरली चार्ट पर आए हैं तो यहाँ से हम आपके लिए एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं, 44,670 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट है समथिंग 44,200 के आसपास एक सपोर्ट है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। यदि निफ्टी में मूवमेंट नजर आता है 44,430 के ऊपर तो फिर हमें कॉल साइड जाना है 44,718 के लिए, ठीक है। और यदि बैंक निफ्टी यहीं से नीचे जाने का प्रयास करती है तो 44,207 तक के रेट के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है, यानी कि हम पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि ये लेवल टूट जाता है 44,207 वाला तो नीचे हमें लेवल 43,800 तक के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो नजर बना करके रखेंगे। और एक बैंक निफ्टी में लेवल है आगे ऊपर की साइड में कॉल साइड 44,970। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 44,427 के ऊपर जैसे निकले बैंक निफ्टी तो 44,718 के टारगेट के लिए कॉल साइड, और देन उसके बाद 44,967 के लिए। यदि नीचे जाती है तो 44,200 का पुट साइड टारगेट और फिर 43,800 का। तो ये लेवल से ध्यान में रखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं या जो भी करेंगे अपने खुद का रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना ना भूलें, क्योंकि वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।